नशीली कप सिरफ और स्कॉर्पियो वाहन के साथ कोतवाली पुलिस के गिरफ्त में आरोपी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले के निर्देशन पर थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की सीधी आरटीओ पासिंग स्कॉर्पियो में दो व्यक्ति बाहरी तरफ से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरफ कोरेक्स लाने वाले हैं, जिस पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली राजेश पांडे द्वारा उपनिरीक्षक भूपेश बेस की अगुवाई में घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया गया। आरोपियों के पास से 274 सीसी ऑनरेक्स कफ सिरप, दो नग मोबाइल और एक स्कॉर्पियो जब्त की गई है। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा हनुमाना जिला रीवा से क्रय कर सीधी जिले में इनके द्वारा परिवहन और विक्रय किया जाता रहा है। कार्यवाही में उपनिरीक्षक भूपेश बेस, उपनिरीक्षक आकाश सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक तिलक राज सिंह सेंगर, आरक्षक आजाद खान, विक्रम सिंह, सुनील बागरी, अनूप सिंह, आलोक त्रिपाठी और आरक्षक चालक सुरेंद्र की सराहनीय भूमिका रही, जिनको पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा उचित पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि नशे को किसी भी स्थिति में नशे की पूरी जड़ को समाप्त करना, पूरे नेटवर्क को खत्म करना है। इस दिशा में सिटी पुलिस, कोतवाली पुलिस ने बहुत ही जो है अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। कोरेक्स की समस्या पूरे क्षेत्र में सभी युवा पीढ़ी को खाई जा रही थी, पूरी युवा पीढ़ी इससे ग्रसित थी। इस दिशा में सिटी पुलिस और कोतवाली पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए 274 सीसी कोरेक्स की जब्त की है और दो आरोपी इसमें राहुल गुप्ता और रामेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इनपे एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के अंदर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ये लोगों के द्वारा बताया गया कि ये रीवा के कई जगहों से और उत्तर प्रदेश के मोहगंज से इस तरीके की कोरेक्स की नशीली दवाइयाँ लेके आते हैं और यहाँ की युवा पीढ़ी को प्रभावित करते हैं। इन दोनों आरोपियों के साथ में स्कॉर्पियो सफेद रंग की जो गाड़ी है फोर व्हीलर मुझे जब्त की गई है, मोबाइल स्पीड के जब्त किए गए हैं और इसमें आगे पूछताछ जारी है। पुलिस का मुखबिर तंत्र इसमें बहुत एक्टिव है और इसके साथ में हमें भविष्य में आगामी दिनों में और अच्छी सूचनाएं प्राप्त होने के आधार पर और अधिक बड़ी कार्रवाई करने की मेरी पूरी संभावनाएं हैं। ये सिटी पुलिस और कोतवाली पुलिस की विशेष सफलता के लिए पूरी टीम को उत्साहवर्धन के लिए मेरे द्वारा 5,000 का नगद इनाम पूरी टीम को दिया जा रहा है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई नशे के विरुद्ध हमारी जारी रहेगी। आप सभी लोगों को इसमें सहयोग रहते हुए इस तरह की सूचना नीति हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।